Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing absolutely well. भाई अभी ना हम निकल चुके हैं अपने घर से जयपुर के लिए और जाना है टर्मिनल 3। तो अभी जस्ट निकल चुके हैं रास्ते से और देख रहे हैं क्या बढ़िया बढ़िया सुबह के टाइम पे करना पड़ा है। एक घंटे की नींद ली है बस मैंने, 2 बजे के करीब सोया था और 3 बजे उठ गया। तो ये सब तो चलता रहेगा, तो आप मेरे साथ सफ़र के मजे लीजिए और देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा हमें जयपुर में। तो मैं लास्ट टाइम जब गया था गाड़ी से गया था अपनी, तो उसको ऑलमोस्ट हो चुके हैं 3-3.5 साल के करीब। तो जब से मैं जयपुर की साइड राजस्थान नहीं गया हूँ, तो अभी चलते हैं सीधे एयरपोर्ट और देखते हैं क्या मसीन होने वाला है और अभिषेक हमें वहीं मिलेगा। तो सीधे चलते हैं आगे। तो अभी हम ना जयपुर भी आ गए हैं और होटल में अपना सामान रख दिया है, तो होटल एयरबीएन से बुक करा है और अभी हम जा रहे हैं सीधा रेलवे स्टेशन बिकॉज वहाँ से एक ड्रोन पिक करना है। वैसे करना तो मेरे को दिल्ली में था बट वो जयपुर में था बंदा, क्या मैं लेट हो गया, तो ठीक है कोई नहीं, हम ड्रोन पिक करते हैं और काफ़ी सारी जगह जाएंगे आज। तो वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे कि आप जयपुर आए तो आप जयपुर में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और है ना। तो भाई जयपुर में चाय पीते हैं और जस्ट होटल के पास ही हैं, जस्ट वहाँ पे पीछे होटल है और ये देखो क्या मस्त व्यू जो भी खड़ी है। तो अभी जस्ट वहाँ चाय पीते हैं, यहाँ भी है सिस्टम लेकिन वो उतना नहीं है, वो नहीं है। चाय बढ़िया बनी है भाई। मैं अभी आ गया हूँ अपने पेंट हाउस में और जो कि जयपुर की मेन सिटी में है, जस्ट यहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है और एयरपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं था, हार्डली यहाँ से 20-25 मिनट की दूरी पे था एयरपोर्ट भी। और ये रहा अपना पेंट हाउस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हम यहाँ पे हैं एक प्री वेडिंग शूट करने के लिए और तो जो क्लाइंट है वो यूएसए से आया है, तो उस हिसाब से ठीक है ना। और अभी मैं आपको देता हूँ पेंट हाउस का टूर, ठीक है। ये अंदर आते ही किचन रूम, टीवी अपना बड़ा भाई, और ये ड्रेस सेटअप कर रखी है हमने शूट के लिए, और ये शायद शायद हमारा बेडरूम रहने वाला है। तो कुछ ऐसा सा है बढ़िया सा। अभिषेक अंदर गया है बॉम्बिंग एरिया में। तो भाई अभी हम आ चुके हैं जल महल, ये भी एक जगह है जो आप जयपुर में विजिट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ जल महल। तो जस्ट रोड के उस साइड जल महल है, तो चलिए चलते हैं सीधे उधर ही और वहीं शूट होएगा। रोड देख के क्रॉस करना पड़ेगा नहीं तो कोई भाई मेरा उड़ा के चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे।
तो गाइस अभी ना हम यहाँ से निकल रहे हैं और वैसे भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी तो शॉट इतने नहीं ले पाए, बट फिर भी ले लिए हैं। और अभी ना हम यहाँ से निकल रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं अभिषेक? एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। एल्बर्ट्रॉन म्यूज़ियम करके कुछ है, गेट कहते हैं बेसिकली उसे, तो वहाँ जा रहे हैं। और ये रहा जल महल, तो जल महल को बाय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से सीधा एल्बर्ट्रॉन के लिए। तो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बस एक छोटा सा पॉइंट था वहाँ पे ही शूट कर रहे थे, कोई पेड़ नहीं था मतलब यहाँ पे, बट क्या था ना कि अगर आप सुबह सुबह के टाइम आ जाओगे तो यहाँ पे अच्छा खासा शूट कर सकते हो आप। अभी तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो इतना शूट जैसा हमने सोचा था हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पाया, बट फिर भी ठीक हो गया। तो अभी ना हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो गाइज अभी हम ना आ चुके हैं पत्रिका गेट और वहाँ का कैंसिल हो गया था दूसरी जगह पे, तो अभी डायरेक्ट सीधे यहीं पे आ गए हैं। और सनलाइट वैसे भी जा चुकी है तो देखते हैं कुछ शूट कैसा हो पाता है, तो शूट करते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है ना। ये रहे सब लोग। से निकल चुके हैं आमेर फॉल के लिए, तो ना भाई ये सारा भाई तुम कट ले लो कोई बात नहीं, कट नहीं लगेगा, ऐसे डलेगा। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं आमेर फोर्ट के लिए और यहाँ पे देखो लवबर्ड्स लिपस्टिक लगाते हुए। तो अच्छा सॉरी लिप बाम है। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा आमेर फोर्ट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि सुबह के टाइम देखो ना पूरा खाली पड़ा हुआ है, रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं है। वैसे हमने प्लान तो करा था सुबह निकलने के लिए 6 बजे, जो कि ऑब्वियसली कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अभी निकल चुके हैं, लगभग 7 बज रहे हैं, तो हार्डली 20-25 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और जाते ही शूट स्टार्ट करना है और फिर वहाँ से हम कहीं और निकलेंगे। एक बार हम फिर से आ चुके हैं आमेर फोर्ट और देखते हो यहाँ पे कोई भी नहीं है, और कल कितनी भीड़ थी वो मैंने आपको दिखाई दिया। अगर आपको कोई प्री वेडिंग शूट करना है या फिर कोई फोटो शूट करना है तो आपको यहाँ पे अंदर पे करना पड़ेगा उसके लिए, और मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप सुबह के टाइम आएँ ताकि आपको शूट में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और सनराइज़ के टाइम पर और ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगता है, हम थोड़ा लेट हो गए, अगर हम 6 बजे के करीब आते तो हमें परफेक्ट सनराइज़ मिलता। चलो कोई बात नहीं, बट अभी अंदर जाकर शूट करते हैं और देखते हैं। भाई देखो क्या मस्त लग रहा है, अभिषेक भी कुछ शॉट्स ले रहा था, तो अभी चलते हैं सीधे अंदर है ना। कैसा लग रहा है आपको आमेर फोर्ट, तो ये मेरे को बताते रहना। और बाकी इंस्टा की रील वील आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा, तो वो भी चेकआउट करते रहना। बाकी अभी तक बढ़िया जा रहा है व्लॉग भी, आई होप आपको पसंद ही आ रहा होगा। तो अगर पीछे देखो क्या मस्त व्यू है, तो बस शूट वूट करते हैं फिर यहाँ से, मोस्ट आधे घंटे में पैकअप करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और आगे तक वीडियो देखते रहना, काफ़ी अच्छी होने वाली है वीडियो।
साइड चलते हैं और देखते हैं क्या है। वैसे मेरे को पता नहीं है यहाँ से क्या रास्ता निकलने वाला है, कहाँ पे निकलेंगे हम, कैसा व्यू होने वाला है। तो अभी जस्ट ये ऊपर जाके देखते हैं। नाइस, अच्छा बढ़िया, थोड़ा और ऊपर चल के देख लेते। ओ भाई बढ़िया बढ़िया, मतलब ऊपर से ना ये पूरा यहाँ पे अंदर का व्यू आ रहा है बढ़िया करके, देखो। तो भाई अभी का सीन ये है कि अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और जा रहे हैं ड्रोन शॉट लेने। जस्ट वहाँ ऊपर की साइड देखते हैं, क्लाइम करके जाते हैं, वहाँ से ड्रोन शॉट लेते हैं। और ये पीछे से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है आमेर फोर्ट का, तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो बाकी रील्स वील्स जो भी हैं आपको मेरे इंस्टा पेज पर मिलेगा, जो कि आप यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो मेरे को लिंक पर क्लिक करके। तो अभी जस्ट चलते हैं नीचे, ठीक है भाई। लोग अभी हम आए हैं डंप यार्ड, जैसे कि आप ये देख रहे हो पूरा वाइट वाइट है। काफ़ी लोग समझते होंगे कि ये सॉल्टेड है, बट ये सॉल्टेड नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो मार्बल जो काटते हैं ना, जो पत्थर बिछाते हैं घर में, तो यहाँ पे ये पूरी इंडस्ट्री है उसकी। तो वो जो कटिंग वटिंग करते हैं तो उसका जो वेस्टेज होता है वो यहाँ पर डंप करते हैं। तो काफ़ी साल से ये डंप कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बड़े बड़े पहाड़ से बन गए हैं एज यू कैन सी। तो ये सब ऐसे ही है, तो कहीं कहीं पे आपको दिखेंगे कि ना पत्थर भी पड़े हैं जो काटे हुए होते हैं, तो उसी को मतलब डाल के इतना सारा ये इकट्ठा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसलिए पूरा वाइट वाइट है, क्योंकि वाइट पत्थर कटते हैं मोस्टली यहाँ पे, तो वही है। तो अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। और हाँ भाई, प्री वेडिंग के लिए यहाँ पर 5,000 चार्ज है साला, इतनी इनकी वेस्टेज के लिए भी चार्ज लगा रखा उन्होंने। तो चलो अभी चलते हैं ना, गाड़ी में कुछ सामान रह गया वो लेके आते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये व्लॉग? आई होप आपके व्लॉग पसंद आया होगा। तो काफ़ी घूमे हैं और सुबह के टाइम भी हमने काफ़ी कुछ कैप्चर करा ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। तो अभी ये हमारा लास्ट लोकेशन है शूट के लिए, जस्ट वहाँ पे शूट कर रहे हैं और 6 बजे एटलीस्ट हमें एयरपोर्ट पहुँचना है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे रैप अप करते हैं और निकलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।